हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उन सभी का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप इस लास्ट टाइम में किस तरह से प्रिपरेशन करें कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास कर सकें। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप जो है इस एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि किसी भी जनरल एग्जामिनेशन के लिए, जनरल कहने का मतलब BA BSc जनरल कोर्स का जो भी एग्जाम होता है, BSc हो गया, चाहे BA हो गया, या फिर BCom हो गया, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस टाइप का जो भी एग्ज़ाम है आपको एक मंथ जो है मैक्सिमम है, ठीक है, एक मंथ इनफ आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे बेसिकली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो 12 मार्च से चालू है। तो आपको जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो 1 से 1.5 वीक तक जो है चलेगी, ठीक है, 1 वीक से 1.5 वीक तक आपको जो है फॉर्म फिलअप करने की डेट चलेगी, और इसके 10-15 रोज के बाद आपका एग्ज़ाम ले ली जाएगी। मैं इस ये जो है पिछले ईयर के आधार पर बोल रहा हूँ। पिछले ईयर हुआ क्या था, 1 वीक तक जो है फॉर्म भरने की डेट चली थी और उसके बाद एग्ज़ाम ले लिया गया था, ठीक है। तो अब बात आती है कि आपका जो एग्ज़ाम है, जैसे 3 अप्रैल से जो चल रहा था, जो भी एक न्यूज आई थी 3 अप्रैल वाली, ठीक है, तो उसके आधार पे मैं बता दूं कि 3 अप्रैल या 1st week of April या 10-15 अप्रैल तक आपको ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने की बिल्कुल चांस है। तो इसमें आप किस तरह से प्रिपरेशन करें, सबसे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप लोग ज़्यादा बुक पर बिल्कुल भी फोकस मत करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो एग्ज़ाम चालू होता है, एग्ज़ाम नज़दीक है, और एक न्यू बुक लेकर के बैठ जाते हैं जो अभी तक आज तक बिल्कुल भी ना पढ़ें उस बुक को, ठीक है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। जो भी आप बुक पढ़, अगर आप बुक पहले से पढ़े हुए हैं तो उसको आप बिल्कुल अच्छे तरह से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो न्यू बुक को बिल्कुल भी टच मत कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आपका जो यूनिवर्सिटी का जो फेमस गैस पेपर है, जैसे कि आपको जसपाल हो गया, A1 हो गया, आप ये गैस पेपर आप उठा करके शुरू से लेके लास्ट तक बिल्कुल भी कर जाइए। आपको जो क्वेश्चन समझ में परेशानी आती है उस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल पढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को स्किप कर दे, आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ें, शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ें। देखिए, क्वेश्चन 3 टाइप से पूछा जाता है। एक होता है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एक हो गया थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, एक हो गया लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, और एक हो गया डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन। 3 टाइप का क्वेश्चन जो है आपको आता है। तो आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको बेस अधिकतर जो है वो आएगा BA वालों के लिए, ठीक है, और लॉजिकल बेस और डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन जो है वो BSc वालों के लिए ये आएगा। तो आपको जो है थ्योरी बेस, अगर आप BS आते हैं तो आप थ्योरी बेस क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस कीजिए, और थ्योरी बेस आपको पिछले बहुत पुराना क्वेश्चन है, या वुमन के लिए हिस्ट्री का बहुत पुराना क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, आपको पिछले बारे में इसके क्वेश्चन के बिहाइंड आपको जो भी नॉलेज है वो नहीं है, तो आप फिर भी उस क्वेश्चन को पूरा से थ्रू आउट हो जाइए, ताकि होता क्या है एग्जाम के समय में आपको याद आ जाए। अगर आप डेरिवेशन, अगर BSc वाले हैं तो अगर आपको डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन के लास्ट में जो आपको फॉर्मूला आता है उसको आप अच्छी तरह से याद कर ले, और एक डेरिवेशन का जो प्रोसेस होता है उसको भी अच्छी तरह से पढ़ ले, और डायग्राम वायग्राम जो भी होता है आप उसको थोड़ा सा दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए डायग्राम को। तो ये जो लॉजिकल और डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है ये खुद से पढ़ने पर ज़्यादा समझ नहीं आता है जितना कि आप दूसरे से आप पढ़ते हो। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आप फ्रेंड्स का नोट ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए, या फिर आप YouTube वीडियो से आप देख करके आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। YouTube वीडियो देखिए और एक जो है अच्छी तरह से आप जो है आराम से पढ़ के लिख के आप समझने का प्रयास कीजिए, जो भी आपका गैस पेपर में उस पर समझें। अगर आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने का आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब से पढ़ें और उसको यह है एक तरह से दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए। चलिए, मैं अब दूसरे टॉपिक्स की बात करता हूँ। अब देखिए, आप लोगों के पास क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का चांस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उठा कर देख लीजिए। आपको A1 का भी गैस पेपर है, जसपाल का भी गैस है, तो उसके लास्ट में आपको जो है सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टच कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, और एक पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप से पहले जो है पूछा गया। अब एक फ्री का सलाह देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जगह लागू भी होता है। आप जो भी क्वेश्चन पढ़ते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आप लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया हो सकता है कि इस बार नहीं पूछा है, ठीक है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस न करते हुए आप डेरिवेशन दूसरा फोकस जो है दूसरा क्वेश्चन उस पर आप कुछ ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी कह सकते हैं टिप्स हैं।
तो अब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया उसको बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है। अब मैं लास्ट में आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, ठीक है। स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस लेते हैं तो आपका टाइम बर्बाद होता है, आपको आपके पास उतना टाइम है नहीं क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो टाइम बर्बाद होने से आप कुछ पढ़ नहीं पाते हो। तो कुछ आप बिल्कुल अगर फ्री रहते हैं तो कुछ ना तो कुछ आप पढ़ते हैं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे कुछ तो पढ़ते हैं। तो आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, बिल्कुल फ्री रहें, ठीक है। और फ्री रहने के फ़ायदा यही है कि आप जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको ये मैं यहाँ पे पूरा वीडियो का समरी बताता हूँ, आपको करना क्या है कि आपको जो है गैस पेपर से आपको थ्रू आउट जो है आपको हो जाना है, ठीक है। गैस पेपर से थ्रू आउट हो जाना है, पिछले ईयर के पेपर्स को आपको समझना है, ठीक है। न्यू बुक्स को बिल्कुल भी नहीं टच करना है, ठीक है। ड्रेवेशन टाइप्स का जो भी क्वेश्चन है आप उसको जो है यूट्यूब से, या लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है आपको यूट्यूब से समझने का प्रयास कर सकते हैं। और लास्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना और बिल्कुल फ्री रहना, ठीक है, एग्जाम टाइम तक। और एग्जाम टाइम तक कुछ ना कुछ आपको पढ़ते रहना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय हिंद, जय हिंद, जय भारत।